Hello students, from today onwards we will start discussing DPS of kinematics. So today we will discuss DPS number 1, kinematics. Before watching this video, you are advised to solve this DPS on your own first, okay? और फिर उसके बाद आपको जो भी डाउट होता है उसके लिए आप ये डिस्कशन वीडियो देखें. सो फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. यू आर स्टैंडिंग 100 मीटर नॉर्थ ऑफ योर कार व्हेन एन एलिगेटर अपीयर्स 20 मीटर नॉर्थ ऑफ यू एंड बिगिंस टू रन टुवर्ड्स यू एट 8 मीटर पर सेकेंड. सो द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम कार इज गिवन टू बी 100 मीटर. Distance of alligator from man is given to be 20 meter and the speed of alligator is given to be 8 meter per second and speed of man is given to be 5 meter per second. ठीक है, ये कार है. Man is standing 100 meter far from the car, north of it, और इससे 20 meter की दूरी पे alligator है. ठीक है, जब यहाँ से alligator 8 meter per second की speed से man की तरफ आता है, at the same moment man also starts moving towards car with the speed of 5 meter per second. This is the situation. Okay? So, will you reach the car before the alligator overtakes you? If not, how far from your car does the alligator have lunch? तो पहले ये देखते हैं कि इस मैन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है. तो कितना टाइम लगेगा इसे यहाँ से यहाँ आने में? Divided by 5 meter per second. 20 second. 20 second लगेगा. और 20 सेकेंड में ये एलिगेटर कितनी दूर निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस एलिगेटर ट्रेवल करेगा? 8 × 20 दैट इज 160 मीटर. तो 160 मीटर मतलब कि दिस प्लस दिस और ये कुछ यहाँ कहीं पहुँच जाएगा एलिगेटर, मतलब कि ये दोनों बीच में कहीं मिलेंगे. ठीक है, तो सपोज ये इस पॉइंट पे मिलते हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट में मिलते हैं आफ्टर टाइम टी. तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस 20 प्लस दिस डिस्टेंस. ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8t. सपोज टी टाइम के बाद एलिगेटर यहां पहुंचता है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच? 8t. और टी टाइम सेम टाइम दोनों एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी टी टाइम ही, इसको भी यहां से यहां तक आने पे टी टाइम लग रहा है 5t. तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट 8t इज इक्वल टू 20 प्लस 5t. सो टी विल कम्स आउट टू बी 20/3 सेकेंड्स. ओके, 20/3 सेकेंड. 20/3 सेकेंड में क्या पूछ रहा है? इफ नॉट हाउ फार फ्रॉम योर कार डज द एलिगेटर हैव लंच? दे आर आस्किंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर माइनस 5t. ओके, 100 माइनस 5 × 20/3 दैट विल बी 100 माइनस 33 अप्रॉक्सीमेटली 67 मीटर. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. An airplane whose velocity relative to the air is constant 800 km per hour. Velocity of airplane relative to the air, relative to wind मैं यहाँ पे बोल देती हूँ. This is given to be 800 km per hour. Okay? Which has a constant tailwind of 240 km per hour. Tailwind क्या होता है? जैसे ये airplane है, ठीक है, और ये आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अगर विंड की स्पीड इसी डायरेक्शन में है
तो हम उसे बोलते हैं टेल विंड। और अगर विंड की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसे बोलते हैं हेड विंड। सो टेल विंड इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। दिस इज गिवन टू बी हाउ मच, 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि टेल विंड है, इसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज इन डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एयरप्लेन टू कवर 2000 किलोमीटर रिलेटिव टू द ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इतनी होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 800 प्लस 240, इट कम्स आउट टू बी 1040 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस इज गिवन टू बी हाउ मच, 2000 किलोमीटर, और वेलोसिटी दे रखी है 1040 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2000 डिवाइडेड बाय 1040, टाइम हो जाएगा 1.92 आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कार ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर, एंड फाइनली 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। ठीक है, तो V1 इज गिवन टू बी 100 किलोमीटर पर आवर, T1 2 आवर, सिमिलरली V2 60 किलोमीटर पर आवर, T2 2 आवर, and finally V3 is given to be 80 km/h, T3 equal to 1 hour. So what is the car's average velocity for the entire journey? वैसे तो ये question बहुत easy है, average velocity क्या होती है, total displacement, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2 आवर का डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड 2 आवर का डिस्प्लेसमेंट प्लस थर्ड 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट 2 आवर में डिस्प्लेसमेंट था कितना, 100 × 2, 200 किलोमीटर, प्लस सेकेंड में 120 किलोमीटर, प्लस थर्ड में कितना था, 80 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 + 2 + 1 = 5। सो दिस कम्स आउट टू बी 400/5, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 10। एन एयरप्लेन हुज एयर स्पीड इज 500 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100,000 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 आवर। सो एयर स्पीड मतलब होती है वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड, इट इज गिवन टू बी 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इज 1000 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस 5/2 आवर। फाइंड हाउ स्ट्रांग वॉज द हेड विंड अगेंस्ट इट। हेड विंड का मतलब अभी मैंने आपको बताया, हेड विंड मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेट से हेड विंड वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेट से ये एक्स है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर
velocity of aeroplane with respect to the ground will be velocity of aeroplane with respect to the wind minus velocity of wind with respect to the ground. माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हेडविंड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है. तो ये कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी 500 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. सो टाइम टेकन विल बी, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1000 डिवाइडेड बाय स्पीड 500 माइनस एक्स. This is given out. This is 5/2 r. तो इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी. x is equal to 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. A boat moving downstream, that is with the current in the river, takes 4 minutes 7 seconds to cover a measured mile according to marks on shore and 7 minutes 30 seconds to cover the same distance moving upstream, that is against the current. Downstream का मतलब होता है कि जो river की velocity है वो same direction में है जिस डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी, और अपस्ट्रीम मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जब बोट डाउनस्ट्रीम मूव कर रही है तब उसे टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, 4 minutes 7 seconds, दैट इज 247 seconds. ओके, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जब वो अपस्ट्रीम मूव कर रही है उसे टाइम लग रहा है 7 minutes and 30 seconds, दैट इज 450 seconds. ओके, सो इफ द बोट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द वाटर इज 11 mile per hour, velocity of boat relative to water is given to be 11 mile per hour. What is the velocity of the current in the river? Suppose velocity of water with respect to ground is x. Velocity of current in the river is velocity of water with respect to the ground. ठीक है? तो ये suppose x दे रखा है. तो v1 मतलब जब boat downstream थी, तो boat की velocity कितनी हो जाएगी? 11 mile per hour प्लस एक्स, इतनी हो जाएगी. v2 कितनी हो जाएगी जब वो अपस्ट्रीम मूव कर रही है? 11 माइल पर आर माइनस एक्स, इतनी हो जाएगी. ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहे हैं, विच मीन्स v1 into t1 is equal to v2 into t2, राइट. तो v1 कितना दे रखा है, 11 माइल पर आर प्लस एक्स इंटू t1 247 इज इक्वल टू v2 11 माइल पर आर माइनस एक्स इंटू 450. इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. So the value of x comes out to be 3 mile per hour. I'm not solving this equation. इसको आप solve कर लेना, इसका answer आपको मिल जाएगा 3 mile per hour. Okay? Next we'll start with question number 30. A car moving at 100 km per hour is 80 km behind another car moving at 60 km per hour in the same direction. This car is moving at 100 km per hour and it is behind one more car which is moving at 60 km per hour.
This car is 80 kilometer behind the next car. How far does the first car travel before it overtakes the second car? Suppose ये जो फर्स्ट कार है ये सेकेंड कार को यहाँ कहीं ओवरटेक करती है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आफ्टर टाइम टी इट ओवरटेक्स, तो दिस डिस्टेंस विल बी 100 t एंड दिस डिस्टेंस विल बी, इसको भी t टाइम ही लगेगा, 60 t. तो फ्रॉम द डायग्राम 80 प्लस 60 t इज इक्वल टू 100 t. तो t कितना आ जाएगा, t विल बी 80 डिवाइडेड बाय 40, राइट? या दैट इज 2 आवर. तो 2 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 100 t, 100 इंटू 2, दैट इज 200 किलोमीटर.